भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर की ओर से जन समस्याओं को लेकर आज बड़ी चौपड़ से हेरिटेज नगर निगम तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार तथा अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी की। यहां कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए हेरिटेज नगर निगम कार्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया। शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने बताया कि जनता की समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से हेरिटेज नगर निगम अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं होने से गुस्साए लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। शहर की लोकल सरकार और उस लोकल सरकार का दायित्व तो बनता है स्वच्छता, पानी, बिजली और जिस प्रकार से जयपुर की चार दीवारी में गंदी नालियां हैं उनका सफाई करने का काम, सीवरेज लाइन का ठीक करने का काम, रोड नेटवर्क को ठीक करने का काम, इन 22 महीनों में जिस प्रकार से नगर निगम में एक धांधली हो रही है, न तो आज तक इनके कमेटियां बन पा रही है। ग्रेटर की बात एक समझ में आती है, बाकी नगर निगम जो हेरिटेज है इसमें इनकी सरकार है, इनकी मेयर बनी हुई है, उसके बावजूद न कमेटियाँ बन पा रही है, न प्रॉपर वे में मीटिंगें हो पा रही है। जनता जिस प्रकार से उद्वेलित होकर सड़कों पे आ रही है, सीओ ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया, ज्ञापन नहीं लिया, किसी को एक ऐसे व्यक्ति को भेजकर ज्ञापन ले लिया, उस पर कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस पर सभी ने विचार करके दोबारा यहाँ पर धरना देने का काम किया है, ज्ञापन लेकर और उस पर कार्रवाई करें। हमने 6 तारीख को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में 7 दिन का समय दिया था संवैधानिक अधिकारों के तहत समितियों का गठन करें जिससे कार्य चालू हो, गंदी गलियां साफ करें, गंदी नालियां साफ करें, लिम्पी में जो पशुधन का गौ माता का नुकसान आ रहा है उसमें फोगिंग करें, काढ़ा करें, गायों का इंतजाम करें और आइसोलेशन के लिए जो गाय लिम्पी में आ चुकी हैं उनकी व्यवस्था करें। लेकिन ये कांग्रेस के निगम का बोर्ड मस्त है, ग्रुपबाजी में व्यस्त है, इस कारण से जनता की उपेक्षा हो रही है।